केंद्र बनाए गए हैं जिसमें कुर्था प्रखंड के कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां लोगों के आने जाने का रास्ता नहीं है। वहीं विद्यालय के आसपास घुटने से भी ज्यादा पानी जमा होने के कारण मतदाताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर जाने के लिए बांस निर्मित पुल बनाया है जिसका उपयोग ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। मैं वोट दे रहा हूँ पंचायत के विकास के लिए कि हमारे जो प्रतिनिधि लोग हों चाहे मुखिया हों जिला परिषद के लोग हों हमारे गांव में विकास करें। लेकिन अभी तक विगत कम से कम 30 साल से मैंने ही यहाँ पर स्कूल का ज़मीन दे कर करके बड़े तमन्ना के साथ स्कूल का के लिए ज़मीन दे कर कर करके हम अपना गांव के बच्चों के पढ़ने के लिए शिक्षा का अच्छी बढ़ाने के लिए हमने योगदान दिया स्कूल के लिए। लेकिन आज तक ये स्कूल का विकास केवल नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का ये हो कर करके कि जो भवन बना है उसके बाद आज तक ये भवन ये विद्यालय जो है उपेक्षा का अच्छी। खबर सुपौल से है जहां डीएम महेंद्र कुमार ने छातापुर में हो रहे चुनाव को लेकर विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्र में गड़बड़ी की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जिसके बाद उन्होंने कहा कि निर्वाचन पदाधिकारी ने जो चुनाव चिन्ह दिया है वो सही है और ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायत जहाँ से भी मिल रही है उन्हें ठीक कर दिया गया है। पहली बार तो चार ईवीएम मशीन है और दो पदों के लिए मतपेटी है, एक वोटर को जाके 6 वोट देना है और ईवीएम मशीन में भी अपना समय वो लगता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन हो। फिर भी अगर हम लोग पिछले चरण से कंपेयर करें तो अभी तक का मतदान का प्रतिशत पिछले चरण से ज़्यादा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछली बार जैसे करीब 30% बूथ ऐसे थे जहां 5 बजे के बाद हम लोग को व्यवस्था करके मतदान कराना पड़ा था, इस बार वो संख्या। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। अरे गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार, अरे छा गई भैया यूपी में योगी सरकार। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे, जिसकी सोच ईमानदार है जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। अपनाई सोच ईमानदार है, नौकरी की बहार है, ना जात पात ना भेदभाव बस काबिलियत आधार है, भैया अपने यहाँ टिक पाते हैं, खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है, जिसकी सोच ईमानदार है जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। सोच ईमानदार काम दमदार, छा गई योगी सरकार। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। तीसरे चरण के तहत सहरसा जिले में पतरगढ़ प्रखंड की 11 पंचायतों में पंचायत चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा था। वहीं डीएम कौशल कुमार, एसपी लिपि सिंह के साथ कई अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। अभी पतरगढ़ पंचायत ब्लॉक के सभी 170 बूथ पे मतदान चल रहा है और सभी जगह शांतिपूर्ण चल रहा है। सभी जगह मजिस्ट्रेट पुलिस में जो सभी लगे हुए हैं, यूआरटी टीम भी घूम रही है और अभी तक जो रुझान दिख रहा है लोगों में उत्साह काफ़ी है। हम समझते हैं कि अभी तक कई बूथों पे ऑलमोस्ट 40% वोटिंग भी हो चुका है और ओवरऑल वोटिंग देखा जाए तो अभी अभी एक बजे समय जो हो रहा है हमें लगता है 30% वोटिंग हुआ है। 5 बजे तक वोटिंग है, 5 बजे के बाद भी अगर कोई कतार में रहेंगे तो उनको टोकन देने के बाद उनको वोटिंग कराया जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि हर बूथ और बिल्डिंग में काफ़ी भारी मात्रा में फोर्स को जो है डिप्लॉय किया गया है। सेंसिटिव जहाँ जहाँ माना गया है बूथ को, तो वहाँ पर आपकी मोटरसाइकिल की QRTs भी घूम रही है। 3 QRTs फंक्शनल है पूरे टाइम, सुबह 7 बजे से घूम रही है और जब तक मतदान होगा वो चलेगा। हर QRT में जो है 10 बाइक हैं जिसमें 30 जवान हैं, साथ में जोनल मैजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पदाधिकारी जो हैं और दूसरे और 4 DSPs को स्पेशली यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया है। दोनों एक थाना और OP जो भी 11 पंचायत है उसमें करने के लिए कुल मिलाकर के काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट के बीच में काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। खबर बांका से है जहां सरकार के जरिए चलाए जा रहे 7 निश्चय योजना को मुंह चढ़ा रही रतनपुर गांव की गलियां। वहां लोग जिंदगी और मौत के साए में दिन बसर कर रहे हैं। पिछड़ी जातियों के होने के कारण विकास के मामले में भी ये इलाका पिछड़ा रहा है। गांव में नाला और सड़कों के ना होने से लोग गंदे पानी में तैर कर आवागमन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि स्थानीय विधायक और क्षेत्र के मुखिया की लापरवाही से रतनपुर गाँव तालाब में तब्दील हो चुका है। तो यही है, पानी में हम लोग 2-4 महीना बुलना पड़ता है हर एक साल, लेकिन जो प्रतिनिधि प्रत्याशी जीता हुआ है वह कोई सुख सुविधा हम लोग 40 घर के अंदर का कोई सुविधा नहीं किया। इंदिरा आवास जिससे लिया उसको भी झूठ ठक लूट लिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत केंद्र द्वारा प्रदत्त निःशुल्क राशन वितरण नहीं करने पर छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ रायगढ़ सांसद गोमती साय ने विरोध प्रदर्शन किया। सांसद गोमती साय ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार गरीबों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल निःशुल्क वितरण के लिए उपलब्ध करा रही है, इसके बाद भी भूपेश सरकार ने उस चावल को गरीबों में वितरित नहीं किया। पूरे प्रदेश स्तरीय गरीब कल्याण योजना 5 किलो पर व्यक्ति पीछे देने का है, उस योजना को लेकर के हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में हर PDS दुकान के सामने बैठे हुए हैं। कहे कि ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को हैंडओवर कर चुका है उस अनाज को, लेकिन राज्य सरकार देने का नाम नहीं कर रहा है और दे नहीं रहा है, जनताओं को गुमराह कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय धमंतरी के तत्वाधान में मुख्य शाखा काकेर ने शाखा माकड़ी व नया बस स्टैंड शाखा के साथ जनपद पंचायत काकेर में लाभार्थियों के लिए वित्तीय साक्षरता व लोन मेला कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राज्य ग्रामीण बैंक के विभिन्न ऋण और जमा उत्पादों जैसे KCC, कृषि ऋण, कार, आवास, पर्सनल इत्यादि पर ग्राहकों की जानकारी प्रदान की गई। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक हमारा पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा संख्या वाला बैंक है। बैंक अपनी योजना को लेकर ग्राहकों के बीच जाना चाहती है और अपनी योजना का प्रचार प्रसार करके उनके बीच में और ज़्यादा बेहतर अपनी सुविधा को उपलब्ध करा सके, इस उद्देश्य से आज एक क्रेडिट कैंप हमने यहाँ पर कांकेर में रखा। उसका मूल उद्देश्य ये था कि जो योजना है हम अपने ऋण दे रहे हैं वो किसी न किसी माध्यम से, अगर कोई शासकीय माध्यम से आ रहे हो तो, या तो फिर हम सीधे, दोनों ही तरीके से हम उनको उपलब्ध करा सकें। खबर सुकमा से है जहां थाना गादीरास अंतर्गत ग्राम मीरीवाड़ा में बीती रात अज्ञात लोगों ने गांव के सोड़ी बागा की नृशंस हत्या कर ग्राम के बाहर शव फेंक दिया, जिसके बाद SP सुकमा ने पुलिस की एक टीम बनाकर घटना की जानकारी ली। विवेचना के दौरान पता चला कि कमलेश उर्फ कोना गोंडा ने जादू टोना के शक में डंडे से पीट पीट कर सोड़ी बागा की हत्या की है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। अगली खबर सुकमा से है जहां थाना कुकानार में वाहनों पर आगजनी, ग्रामीणों में मारपीट, लूटपाट और फायरिंग करने की घटनाओं में शामिल 2 नक्सली आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।
जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। थाना कुकानार अंतर्गत ग्राम डोलीराम के निवासी दोनों नक्सली आरोपी, इन दोनों ही लोगों को गिरफ्तार किया गया। खबर कोरबा के बाकी मोग्राम